गया अब हम बच्चों के लिए दवाई लेने, बच्चा अपने बारे में बता क्योंकि बाहर आ गया आंधी और हमें कुछ सामान लेना। तो मैन दिस इज मी शिवानी ऑटो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग आए हो? बहुत अच्छे हो गए। मैं भी ठीक ठाक हूँ, पहले से बहुत ठीक हूँ। और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 करीब हो रहे हैं। मैंने सोचा पूरे दिन से तो आज ब्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि आज सभी की तबीयत खराब, मतलब मेरी ठीक है थोड़ी बहुत, मेरी मम्मी की, मेरी बहन की, हम सबकी तबीयत खराब है और इसकी भी है तबीयत खराब ही। देखो ये जो हमेशा हिरन बन के घूमती, कल का ब्लॉग आपने देखा होगा जो घूम रही थी ये, और आज इसका हुलिया देखो, इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब। इसकी रात को आई थिंक 1:30 बजे इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई रात के, और इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई कि इसे रात में पहले हम डॉक्टर पास ले गए, दवाई ख़त्म हुई, उसी मेडिकल पे ले जा रहे हैं अभी, आराम मिला उस दवाई, इसलिए वहाँ पे ले जा रहे हैं, तो कहीं और दिखाते तो अब शायद इसके इंजेक्शन वगैरह कुछ लगेगा। बट रात में इतनी ज़्यादा तबीयत हुई, इसे इतनी वोमिट हुई बहुत ज़्यादा। देखो उसकी हालत, इसे चला नहीं जा रहा है, मेरे ब्लॉग के चक्कर में रुकी हुई है। तो मेरा उलिया भी उस वक्त रियल, बिल्कुल रियल, नो मेकअप है। तो हम लोग चले, अब हम लोग जा रहे दवाई लेने, बच्चा पापा से पैसे ले ले, पापा से पैसे लेके हम लोग चलते हैं दवाई लेने। ले आ पैसे, लाई ले ले पैसे, देखो पैसे दिखा। देखो हमारे घर में कैसे पैसे मिलते हैं, अरे देना क्या हो गया, दिखाएगी नहीं, पता नहीं कितनी शर्माती रहती है, पता नहीं क्या। हमारे घर में ये पैसे मिलते हैं, हमें मतलब अभी मैं आपको दिखाऊँ, पापा दिखाने नहीं देते पैसे वगैरह, तो मैं आपको दिखाऊँ, हमारे घर में चिल्लड़ आती है, मतलब हम हैं 3 बंडल दिए हैं, ये 3 बंडल ऐसे दिए पापा ने, 100 रुपये का एक बंडल, 300 रुपये दिए है। तो मतलब हमारे घर में ऐसे बंडल आते हैं, क्योंकि काम ही ऐसा है जो हमें लोग सिक्के देते हैं। सब लोग बोलते हैं आप लोग मंदिर के बाहर बैठते हो क्या, टुक टुक वाले, और कहीं हम लोग जाते हैं तो हम ये यूज़ करते, तो लोग बड़ी मजाक बनाते हैं हमारी, पर कोई नहीं हमारे पास है, सब क्या कर सकते हैं। चलो अब जाऊँ मैं, बच्चों को दवाई दिला के आऊँ, टूटी ऑन, अब चलते हैं मेडिकल है उधर, गाड़ी में पार्क करेंगे। ये अब हम बच्चों के लिए दवाई लेने, बच्चा अपने बारे में बता रही है इनको क्या प्रॉब्लम है, समझ बता रही है। बच्चे यहाँ पे यहाँ पे वीडियो बनाने दे रही है, यहाँ पे मैं देना हूँ, ज़्यादा फील हो रहा है। अब हम लोग आगे मार्ट में, क्योंकि बाहर आ गया आंधी और हमें कुछ सामान लेना, तो मार्ट में आ चुके हैं। पर बहुत 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 तेज आंधी आ गई, मेरी आँख में भी धूल घुस गई, तो देखो कब जाना होगा यहाँ से। अरे बच्चा ले रही है, बच्चा ले रही रसना इधर है, छोटे वाले पैकेट हैं रसना के, ये इसकी भी तबीयत खराब हो रही है ना। ऑरेंज वाले मतलब ये मैंगो वाले ले ले, ऑरेंज वाले ही रसना पसंद है, और रसना के छोटे वाले पैकेट हैं जो 2 रुपये के आते हैं। बाहर तो आंधी आ रही है ना, हम जाएंगे कैसे यार बच्चा, विदेश से नहीं है फिर भी यार, स्कूटी आते हिल रही थी मेरी आंखों में, इतने ना एकदम से धूल चली गया। तो सारे ले रही है, कितने सारे, मतलब कोल्ड ड्रिंक जो है यही पी रही है, कोल्ड ड्रिंक जो यही पी रही है इसकी दवाई, उसमें भी एनर्जी की चीज़ें दी पीने को, पूरा रखना ले लिया इसने। टीवी में आ रही है और इसकी हालत, मेकअप गल गई, ने रसना और कुरकुरे लिए हैं यहाँ पे, निकलूंगी दवा खा के सही होके मेकअप कर रही हूँ। कितने कई बाहर आंधी आ रही है, रुक जा यार, कितनी आंधी आ रही है, चल ले पकड़। दवाई लेकर आए थे, कम से कम हो गए 2 से 3 घंटे हो गए, 9:30। और बच्चा को कुछ भी असर नहीं हुआ है, उसकी तबीयत वैसी की वैसी है, अब बच्चा उठ भी नहीं पा रही है रूम में अपने, तो अब वो उठेगी तो उसे मैं फिर लेकर जाऊँ डॉक्टर के पास वहीं पे, क्योंकि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इंजेक्शन नहीं लगाने, तो क्योंकि उसे इंजेक्शन से आराम मिलता है, रात में उसके इंजेक्शन लगवाया था। बच्चा तो नहीं उठ नहीं पा रही, पता नहीं कहाँ गई हुई है, और मैं यहाँ पर उसका वेट हो रहा है। अरे देखो कैसे हमारे घर में सामान बदल, क्योंकि हमारी ना प्रेस ख़राब हो गई, तो ये पापा भी यही सब ठीक कर रहे थे, प्लीज रेस डाइनिंग टेबल का ध्यान रखो, प्लीज ठीक हो रही थी यहाँ पे अभी, और वहाँ चल रही है आ आ आ मूवी देखेगी साउथ की, मतलब साउथ की मूवी आ रहे थे क्योंकि अच्छी मूवी होती है साउथ की, फैमिलीज मूवीज होती है, इसलिए ज़्यादातर हम लोग घर में साउथ की मूवी होती है, हॉलीवुड मूवी होती है, हॉलीवुड बहुत बहुत कम मिलेगी,
कोई एक आध हो गई थोड़ी, और पहले तो मेरा ब्लॉग ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाया था ना, देखा बहुत लोग कह रहे थे अरे कैसा बनाए कैसा बनाए, बहुत सारे मैसेज आए थे इस चक्कर में। अब होगा थोड़ा, मैंने बोला ना मेरी आदत चली गई, तो आदत जब छूट जाती तो दोबारा बच्चा पता नहीं कहाँ है। देखो मैं कितना परेशान हूँ बच्चा के लिए, बच्चे की जो तबीयत खराब है इस चक्कर में। मम्मी वापस जो डॉक्टर पाले जा रही है, अब खुद जाएंगी मम्मी, शायद आ गई है बच्चा। ये देखो क्या हालत है रखी इसकी, बच्चा क्या हुआ इसका, देखो वाला दवाई पापा मम्मी गए दो दवाई देने दोबारा से। हो सकता है इसके जो चाहने वाले इसके दोस्त या जो भी है इससे मिलने आ जाओ, अगर ये मर गई तो क्या होगा। उसकी हैत थी तबियत खराब तो क्या कर रही, क्यों मेरी भी थी, मेरी इससे ज़्यादा थी अभी, और मेरा कोई भी दोस्त नहीं आया, एक दोस्त नहीं आया मुझे तो मिलने, मेरी एक दीक्षा आई थी बस और कोई नहीं आया। शायद लोगों को पता नहीं था मेरी तबियत खराब है, भला इतना भी नहीं लगता लोगों को जैसे जो होते हैं साथ में कि भाई तबियत खराब कल को जो कुछ हो गया मिल लो जीते जी, मरने के बाद तो सभी को जाना है। दारू का ना कुछ ही बकवास करे पड़ी है, दारू का नशा चढ़ी हो गया बो गया, उसने क्या पी रही थी। अच्छा वो तूने फ्रिज में रखा था गरम करके, इसने गरम करके फ्रिज में रख रखा था एनर्जी ड्रिंक, हद है इसकी भी। बना लूँ रसना अपने लिए जो कि बच्चा खरीद के लाई थी, वही रसना और मैं बनाऊँ इस ग्लास में, इस ग्लास में थोड़ा अच्छा लगता है पीने में कोल्ड ड्रिंक टाइप, मैं दो रसने के पैकेट से बनाती हूँ कोल्ड ड्रिंक। पहले मैंने अभी दो पैकेट डाले थे मैंने, मतलब पिछला ओवर में भी ठीक है ना, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं होती कभी कोई, उसके लिए ठीक है रसना वो अच्छा भी लगता है। चलो एक पैकेट में एक गिलास होंगे वो ऐसे बेकार, बट आप कभी भी दो पैकेट के एक गिलास रसना बना के देखना, कैसा टेस्ट होगा, मुझे तो अच्छा लगा, किसी को अच्छा लगे ना लगे मुझे अच्छा लगा। फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच जिसने भी ब्लॉग पूरा देखा हो, थैंक यू सो सो मच।